ये तीन किसान विरोधी काले कानून वापस लिए हैं। हमारा हक और अधिकार अभी भी बाकी है, जो हम पर थोपा था वही वापस लिया है। तो जब तक MSP की गारंटी नहीं, तब तक आंदोलन यही। जी, पहले कहते थे कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब एक कदम और आगे बढ़ते। देखिए, तथाकथित मीडिया, सुनिए सुनिए, तथाकथित मीडिया द्वारा चलाया हुआ दुष्प्रचार है ये। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, आंदोलन की शुरुआत से लेकर आंदोलन के अब तक जो हमारी मांगे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और हम कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, आपके शहर में मौसम रंगीन हो सकता है, हमारे शहर में अब भी मातम और दुख है। हमने 700 से अधिक किसान खोए हैं, किसी के घर का बड़ा बेटा खोया है, 18 साल के जवान लड़के मरे हैं, किसी की विधवा जो है वो बेवा हो गई। हम ये समझते हैं कि इन 700 किसानों की जो शहादत हुई है उसे हम जाया नहीं जाने देंगे। और ये जो प्रधानमंत्री जी घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, इनको बड़े करीब से किसान समझता है। क्या 700 किसानों की बलि देने के बाद से उन्हें जो है आज नींद खुली है उनके, और इतने आसानी से एक झटके में आते हैं और कह के चले जाते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं? माफ़ी नहीं साहब, जवाबदेही देनी पड़ेगी कि आखिर क्या कारण था, वो कौन सी शक्तियां थीं जिन्होंने आपको एक साल तक रोका रहा। हमारे यहाँ कहावत है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, इतनी जल्दी पाक साफ हम नहीं होने देंगे। और अभी तो हिसाब होगा, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है। माफ नहीं किया प्रधानमंत्री? माफ आप माफ कर सकते हैं, मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन जिन्होंने इस देश का इतिहास, प्रधानमंत्री जी को कभी माफ नहीं करेगा। और जिन लोगों ने अपने जवान, अपने बेटों को खोया है, वो कभी प्रधानमंत्री को दिल से माफ नहीं कर तो पाएंगे। यहाँ पर फिर मिठाइयाँ काई की बट रही थी, जलेबी खिलाई जा रही थी, मिठाई बट रही थी? कोई मिठाई नहीं बट रही थी और कोई जलेबी नहीं बट रही थी। किसी के मरने पे क्या मातम के माहौल पे जलेबी? वीडियो है सामने, है, ये कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं नहीं, हमारे जो हमारे नेता हैं माननीय श्री राकेश टिकैत जी, हम बार बार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, और लोगों से भी, किसानों से भी कहना चाहते हैं कि अभी जश्न नहीं मनाना है, अभी शहीदों को उनका अधिकार दिलाना है। और इस सरकार से जवाबदेही लेनी है कि 700 किसानों का जो शहादत हुई है उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसानों की जो जिंदगी है वो, क्या वो गाजर मूली है? क्या किसानों के जो शहादत है उसे हम जाया नहीं जाने देंगे? और जो 50,000 मुकदमे आपने किए, आप बताइए मुझसे, क्या किसान यहाँ पर मुकदमे लेकर आया था? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके किसानों को अपमानित किया गया और मुकदमे वापस नहीं किए गए। जो गुनहगार है, जो जिसने अजय मिश्रा टेनी, जिसके लड़के ने किसानों को रौंद कर मारा है, वो आज खुलेआम मंत्री पद पर है। ये किसानों के मुंह चुड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। जब तक उसके, अजय मिश्रा टेनी के गिरेबान पर हाथ डालकर सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन इस कानूनों के वापसी, जैसे ऐलान वापसी का हुआ और अब तो खैर लोकसभा में भी बिल पास हो चुका है, तो खुशी ये जाहिर की गई, दिखाया जा रहा है कि अब जो चुनाव है, आगामी चुनाव, उसमें जो है उसी दिन से बढ़त दिखाई देने लगी है BJP की, यानी किसान खुश हुए इस फैसले से। देखिए, ना तो हम पहले चुनाव हमारा कोई मुद्दा था और ना ही ये पूरा आंदोलन जो है राजनीतिक है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, वोट की चोट देनी है। प्रधानमंत्री जी हमारी बात, हमारी 7 संयुक्त मोर्चा की मांगे मान ले, हम कल चले जाने वाले हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है यहाँ पे, हम सड़क पर नहीं होगा फिर। क्या, किस चीज का? BJP से शिकवा गिला? आप, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपके शहर में मौसम रंगीन है, हमारे यहाँ अब भी मातम है, हमने अपनों को खोया है, इन्हीं कंधों से अर्तियाँ उठाई हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, निर्णय वापस ले लेने से भी अब पछतात होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। आप मुझे बताइए ना कि 700 लोगों को आप वापस ले आ जाइए, लेते आइए, क्या प्रधानमंत्री जो 700 हमारे किसान शहीद है उन्हें वापस ले आ देंगे? क्या हम किस बात की खुशी मनाएं? हम तो
इस चीज़ का दुख है कि ये देश किस अंधकार में जा रहा है, ये देश किस तानाशाही में जा रहा है, जहाँ किसान को किसान प्रूफ करने में एक साल लग जाए, जहाँ किसान को अपने अधिकार जो है प्राप्त करने के लिए शहादत देनी पड़ी। गांधी जी अगर होते तो आज बहुत दुखी होते। ये गांधी के सपनों का भारत नहीं है, ये अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं है, ये भारत तानाशाही का भारत है। हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तो लियंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है। अभी प्रधानमंत्री जी को झुकाया है, अभी हमारा हक और अधिकार प्रधानमंत्री जी से लेना पड़ेगा, क्योंकि आज ऐसा सिस्टम बन चुका है कि हक अधिकार मिलता नहीं है, हक अधिकार छीनना पड़ता है। हम अपने MSP का अधिकार भी इस सरकार के हाथों से छीनने का काम करेंगे और आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक कि हमें MSP की गारंटी नहीं मिल जाए। वोट की चोट की बात जो आप कह रहे थे, क्या आप वो बात नहीं है आपके मन में? क्या वोट की चोट देने की बात? अगर ये नहीं मानेंगे, देखिए ये तो जनता के ऊपर है, हम जो मुद्दे हैं वो जनता में रखते हैं। जनता भी तो आपके साथ है, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए हम तो किसी को जाके ये नहीं कह सकते कि आप इनको वोट करो, आप उनको वोट करो, और वोट कहा नहीं है, वोट जो है इनका व्यक्तिगत विषय है। आपने कहा नहीं है वोट इनका व्यक्तिगत विषय है, लोगों का व्यक्तिगत विषय है। हाँ, हमारी सरकार अगर मांगों को नहीं मानेगी तो हम इनके खिलाफ जाएंगे और हम इनके खिलाफ प्रचार करेंगे, ये सच्चाई है। बंगाल में हमने किया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी हम करेंगे। हमारी जो मांगे हैं, देखिए आप बार बार आप इसको प्रधानमंत्री जी को बहुत दयावान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी के अंदर संवेदना खत्म हो चुकी है। अगर प्रधानमंत्री जी को एक साल लगता है किसी मुद्दे को एड्रेस करने में और उस पर कार्रवाई करने में, तो मैं समझता हूँ कि हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जी, हम आपसे हाथ जोड़ेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप किसानों को नहीं समझा पाए, आप मजदूरों को नहीं समझा पाए, तो आप देश भी नहीं चला सकते हैं, आप देश भी नहीं चला सकते हैं। जी, देश भर में टंका बजने की बात सामने आती है, जब से मोदी जी एक नई छवि विदेशों में आई है और आप कह रहे हैं कि समझा नहीं पा रहे हैं। 23 करोड़ गरीब पैदा कर दिए, लगातार भुखमरी में जो है, भुखमरी के इंडेक्स में भारत को सर्वश्रेष्ठ कर दिया, आपका डेमोक्रेसी के इंडेक्स में पार्शियल डेमोक्रेसी हो गई, आंशिक रूप से आज़ाद देश हो गया, इस देश का युवा बेरोजगार है, महंगाई सर्वोच्च शिखर पर है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। अगर आप इसको अच्छे दिन मानते हैं और आप समझते हैं कि ये जो है प्रधानमंत्री के सपनों का भारत है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। हमें ना तो ऐसा भारत चाहिए और ना ही ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो उसने इस देश को सिर्फ और सिर्फ अंधकार और मुफलसी की ओर ढकेला हो, जिसने इस देश को सिर्फ और सिर्फ खोखला और बर्बाद किया हो। 4 दिसंबर को क्या होने वाला, क्या लगता है किस 4 दिसंबर को? अभी तो देखिए, आप लोग तभी से बहुत पत्रकार तभी से चिल्ला रहे थे कि कानून वापसी, किस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से कानून वापसी हुई है, इसका उदाहरण आपने आज चैनलों पर देखा है कि विपक्ष को बंद करके, टोटल ब्लैकआउट करके, विपक्ष को बाहर करके, एक ढल्ले से जो है तानाशाही करके इन कानूनों पर को वापस लिया गया है। ना कोई चर्चा हुई है, ना शहीदों की बात हुई, ना MSP की बात हुई, ना जवाबदेही की बात हुई। ये दर्शाता है कि इस सरकार के मंशा में अब भी खोट है। आपने देखा किस तरीके से आज संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से कानून वापस किया गया। क्या जो है प्रधानमंत्री जी चर्चा नहीं करा सकते थे कानून वापसी पे? जो शहीद हुए हैं किसान, क्या अभी भी माफ़ी मांगने के बाद भी किसान प्रधानमंत्री जी एक शब्द जो है संसद में नहीं कह सकते थे किसानों के लिए? हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इनका चेहरा कुछ और है, हम बहुत खूबी से इन्हें पहचानते हैं, ये पर्दे के पीछे कुछ और हैं, पर्दे के आगे कुछ और हैं। इसीलिए हम जब तक हमारी सभी मांगे नहीं मान ली जाती, बताना चाहते हैं हम एक इंच भी यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, एक इंच भी हिलने वाले नहीं।